अब खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर में कुलदीप एंड संस के बाहर विवाद के बाद दो गोली चलने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है। घटना बागबेड़ा से जुड़ी है, जहां रामगोपाल शर्मा और महावीर शर्मा का पैतृक आवास है, जिसमें मनोहर गो पिछले 40 वर्षों से रहता आ रहा है। इसी आवास को खाली करने को लेकर विवाद पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। मनोहर गो कुलदीप एंड संस में काम करता है। सोमवार को कुछ लोग आकर मनोहर गोप से विवाद करने लगे और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। उधर मौजूद गार्ड ने ताव में आकर दो चक्र फायरिंग कर दी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, पर एक कार का शीशा चकनाचूर हो गया। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में इस तरह फायरिंग करना बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। बिष्टुपुर थाना प्रभारी श्रीनिवास घटनास्थल पर पहुंचे और पूछताछ के बाद गार्ड सहित चार लोगों को हिरासत में ले लिया और बंदूक भी जब्त कर लिया। देखिए, राम गोपाल शर्मा और महावीर कुमार शर्मा, ये लोग जो सिलाई के रहने वाले हैं, इन लोगों का एक पैतृक घर है बागबेड़ा में। बागबेड़ा के उस घर में मनोहर गो पिता खिरोद गो लगभग 40 साल से रहते हैं। उस घर को खाली करवाने के लिए ये लोग कल बागबेड़ा गए थे, ये सभी भाई। वहाँ थाना प्रभारी से भी बातचीत हुई थी। थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया था कि न्यायालय में जाएं, परंतु न्यायालय में ना जाके ये दोनों भाई या तीन भाई कुलदीप संस के पास मेन रोड बिष्टुपुर में आ गए, जहाँ पर कि ये मनोहर गोप वहाँ के कर्मचारी हैं। मनोहर गोप को बाहर में बुलाकर कराने के लिए धमका रहे थे। इसी बीच में दोनों में हाथापाई हुई, मारपीट हो गई। दुकान के लोग निकल गए बीच बचाव करने, फिर दुकान के लोग भी में से एक गार्ड भी था जिसने फायरिंग कर दिया। दो फायरिंग किया इसने, एक गोली एक कार के शीशा में लगा, जो दूसरे तरफ शीशा को तोड़ते हुए निकल गया। यही घटना है। सभी को ले आया गया है, हमने जैसे सूचना मिला तो उठाकर सभी को थाने में मैंने ले आया है। पूछताछ में जो पता चला वे बात है, आगे जांच। सर, बंदूक किसका है? इसका लाइसेंस अभी तक नहीं मिला है। गार्ड को मैंने ले आया है, बंदूक को भी ले आया है। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने एक बार फिर से निजी स्कूलों में अभिवंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला नहीं लेने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश ने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा मनमानी की जा रही है और जिला शिक्षा पदाधिकारी चुप्पी साध रखा है। उन्होंने DC से कार्रवाई की मांग की है। एक महोदय से मांग करने आया है कि वैसे बच्चे जिनका आवेदन पूर्व में DSE कार्यालय में गया था और सब अधिनियम के अनुसार सभी अर्हताएं पूरी करने के बावजूद भी स्कूल द्वारा कुछ न कुछ नुक्स निकाल के उनके नामांकन को रोक दिया गया है। अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय से मांग करने आया है कि उनका आवेदन, उनका बच्चे का नामांकन के लिए उनके माध्यम से आदेश दें। दूसरी बात है, सबसे अहम बात है कि पिछले 8 सालों से नामांकन की जो प्रक्रिया है आरक्षित सीटों पर, कुल सीट का 50% ही भर पा रहा है। और एक तरफ DSE कहते हैं कि हम प्रयासरत हैं, स्कूल एसोसिएशन कहता है कि हमारी कोशिश लगातार जारी है। ये कैसा प्रयास है, ये कैसी कोशिश है कि पिछले 8 सालों से 50% से नंबर में इजाफा नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ DSE धमकी देते हैं कि अभिभावक अगर गलत साक्ष्य देंगे तो उनके पर FIR होगा। और स्कूल इतने अधिनियम की वायलेशन करके भी बच्चों का नामांकन नहीं ले रहा, तो DSE उस पर खामोश रहते हैं। ये बहुत बड़ा गहन जांच का विषय है कि इस एक तरफ अभिभावकों से DSE की दुश्मनी और स्कूलों से दोस्ती। पिछले दिनों बाराबांकी डैम में डूबने से सन्नी सामंत नामक युवक की मौत को उसके परिजनों ने हत्या करार देते हुए SP से कार्रवाई की मांग की है। पिछले दिनों बाराबांकी डैम में डूबने से ABM कॉलेज के छात्र सन्नी सामंत की मौत हो गई थी। 3 दिनों बाद शव बरामद हुआ था। इधर मृत छात्र के परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए SP से कार्रवाई की मांग की है। सनी सामंत, क्या लग रहा है आपको? हमको लग रहा है यही कि मेरा बच्चा के साथ में कुछ गलत हुआ, हत्या हुआ, और तो कि ये बैंक जा रहे बोले
पानी में डूबे रहे तो सर तो 7 दिन में नहीं निकलते, 24 घंटे के अंदर में निकलते। 7 दिन के बाद गोदाखोर करने के बाद भी 7 दिन के बाद में, गोदाखोर भी करने के बाद भी 7 दिन के बाद में निकलते। 2-3 दिन घुसा सर, लेकिन निकला नहीं मेरा बच्चा। 7 दिन में किस स्कूल में पढ़ता था? एबीएम कॉलेज। सांसद विद्युत वरण महतो ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए मीडिया के समक्ष लेखा जोखा पेश किया। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि जुगसलाई ओवरब्रिज निर्माण, स्टेशनों का मरम्मतीकरण, विद्युत आपूर्ति में सुधार, पथ निर्माण में लक्ष्य को प्राप्त करना तथा पेयजल आपूर्ति में हर घर तक पेयजल पहुंचाना उनका प्रयास रहा है, जिसमें वे खरा उतर रहे हैं। एसपी कार्यालय परिसर का हो रहा है कायाकल्प, सौंदर्यीकरण का काम जारी, पेड़ पौधों से सजेगा परिसर। एसपी कार्यालय के बाहर पहले रौनक ही नहीं रहती थी, न पड़ाव था न बाग बगीचे। अब जरा नजर दौड़ाइए, हर तरफ हरियाली नजर आएगी। फूलों से लदे पौधे लगाए जा रहे हैं, पहुंच मार्ग को सजाया जा रहा है और परिसर का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया गया है। नहीं देखिए, साफ सफाई तो होना ही चाहिए, जहां हम लोग रहते हैं, जहां हम लोग कार्य करते हैं, आसपास में साफ सुथरा होना चाहिए। ये तो टॉप लेवल से भी हमेशा से इसके लिए मुहिम चलाई जा रही है और इसी प्रयास में हम इस पूरे ऑफिस को, जो एसएसपी कार्यालय है, इसके अंदर बाहर पूरा साफ सुथरा, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, कार्यशैली में बदलाव आया है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना अच्छा से अच्छा बना करके साफ सुथरा रखें, ताकि पब्लिक भी अगर आए तो उनको भी लगे कि कहीं जा रहे हैं, उनको भी बैठने का भी जगह हो, खड़े होने का जगह हो, आसपास गंदगी ना हो।